ये है दिल्ली दर्पण। जब मैं यहाँ से विधायक था, सरकार भी मेरी नहीं थी, सरकार भी केजरीवाल साहब की थी। हमने वो प्रपोजल बनवाई थी कि मेरा बाग के पीछे से एक रास्ता निकलेगा और नाले के ऊपर से सीधा इधर रोहनी निकल जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ उसने कितना काम किया। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मेरा देश बदल रहा है। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रनीत गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली की नांगलोई जाट विधानसभा में, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी के नामों की घोषणा हुई है। सुमन लता शौकीन को यहां पर से टिकट मिली है, जो मनोज शौकीन की धर्मपत्नी भी हैं, क्योंकि मनोज शौकीन का यहां पर काफ़ी होल्ड मार जाता है। जिला अध्यक्ष भी है वो यहां से, मनोज शौकीन। यहां पर हमारे साथ कार्यकर्ता देख सकते हैं, यहां पर आप हुजूम देख सकते हैं लोगों का, कितनी बड़ी संख्या में यहां पर कार्यकर्ता बीजेपी के यहां पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में यहां से जो काफिला है नामांकन यात्रा का, वो यहां से निकलना शुरू होगा। हम कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं। भाई साहब, कितने उत्साहित हैं यहां से टिकट को लेकर? यहां बहुत कार्यकर्ताओं में उत्साह है। बीजेपी के हमारे भाई मनोज शौकीन जी, उनके परिवार से भाई, उनकी पत्नी सुमन लता शौकीन जी हमारे प्रत्याशी हैं, जिससे कार्यकर्ताओं में हर्ष और उल्लास की लहर है। और क्षेत्र से बीजेपी भारी बहुमत से यहां से जीत रही है। क्या लगता है, क्या लगता है भाई साहब, क्या क्या मुद्दे होंगे आप इस बार? जो मुद्दे होंगे, जो देश के अंदर मोदी की सरकार ने, मोदी जी ने और माननीय मनोज शौकीन जी ने जब उनको यहाँ से नेतृत्व करने का मौका मिला था, जो उनके कर कमलों द्वारा जो कार्य किए गए थे, जो डेढ़ साल के अंदर जो उन्होंने कार्य करके दिखाया था, यहाँ पे मौजूदा सरकार और मौजूदा विधायक द्वारा उन मूलभूत सुविधाओं से बिल्कुल दूर रखा गया, वंचित रखा गया। 5 सालों में एक भी काम नहीं हुए। इस तरह से लोग जो है एक सकारात्मक सोच के साथ, मोदी जी के साथ, भाई मनोज शौकीन जी के साथ संकल्प लेके अब दिल्ली को तय भाजपा और जय भाजपा और चप्पा चप्पा भाजपा के नाम को। क्या लगता है भैया, क्या लगता है किससे बड़ी टक्कर है, कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से? हमारी टक्कर किसी से नहीं है। जब भाई साहब मनोज शौकीन जी जहाँ पे खड़े होते हैं, उनकी किसी के साथ टक्कर नहीं होती। नंबर एक पर हैं और अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे। नागलोई विधानसभा आम आदमी पार्टी के कार्यों से दुखी है, त्रस्त है। यहाँ का विधायक कुछ काम नहीं करते। आने वाले जो पीछे बीत गए 4 साल, उन्होंने कुछ नहीं किया और उसके बाद जो है काम करने का नाटक करते हैं। हम इस विधानसभा से बड़े अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। महिला को जो है टिकट मिली है, आप देख सकते हैं बड़ी अच्छी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पे हैं। और हम ये कहना चाहते हैं, इस पथ का उद्देश्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना, बढ़ते जाना उस सीमा तक जिसके आगे राह नहीं, जिसके आगे राह। काफ़ी लोग मौजूद है भाई साहब, क्या लगता है कितनी बड़ी जीत इस बार मिलेगी आपको? जीत अच्छी, जीत मारने से जीतेंगे। मैंने बात करेंगे, ये है कि उद्देश्य है कि केजरीवाल सरकार ने कुछ 5 सालों में दिल्ली वालों को कुछ नहीं दिया, धोखा का अलावा कुछ नहीं मिला। इस क्षेत्र की जनता जानती है कि यहाँ के विधायक भी निकम्मा है, किसी से ना कोई भी काम नहीं अभी तक हुआ है। यानी जो व्यक्ति अपने प्रॉपर्टी व्यापार से, स्कूल के व्यापार से उनको फुर्सत मिलता, दिल्ली शासन क्या करेंगे, जनता की सेवा क्या करेंगे? यहाँ पर कोई पता नहीं है। मनोज शौकीन जी की पत्नी भारी बहुमत से जीतेंगे। कार्यकर्ता मोदी जी का इतना सारा विकास उन्होंने किया देश के लिए, मोदी जी जानते हैं, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हर जगह चुनाव लड़ा जा रहा है। मोदी जी का जो घर का गार्डन अच्छा होगा तो हमारे परिवार के लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मनोज शौकीन और उनके धर्मपत्नी हवन करके बाहर निकल चुके हैं ऑफिस से, और कुछ ही देर में नामांकन यात्रा यहाँ से शुरू करेंगे। लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं, यहाँ पे कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं। पूरी यात्रा को हम कवर करेंगे, आप तक लेकर आने की कोशिश रहेगी। महिलाओं की सीट होने से दुश्मनों के छक्के छूट गए हैं, और ये महिला सीट होने से ये हमारी सीट 25-30 हज़ार वोटों से ही ज़्यादा जीतेगी। पब्लिक के जब बीच में जाएंगे तो पब्लिक से सुनेंगे, पब्लिक की समस्याओं का समाधान करेंगे, करते आए और करते रहेंगे। विधानसभा से नामांकन यात्रा के लिए मनोज शौकीन निकल चुके हैं, धर्मपत्नी सुमन शौकीन को यहाँ से टिकट मिली है। मनोज जी, कितने आश्वस्त है टिकट को लेकर?
टिकट मिलने के बाद कितना आश्वस्त है यहाँ से बिल्कुल 100% आप लोगों से पूछो लोगों के मन में क्या है, लोगों का निशाना एक ही के नांगलोई जाट विधानसभा भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। कितनी बड़ी जीत यहाँ से लेके चल, कितनी बड़ी जीत मान रहे हैं यहाँ से? बड़ी जीत रहेगी, हम कम से कम 15-20 हज़ार वोटों से जीतेंगे यहाँ से। किसको बड़ी टक्कर मान रहे हैं, कांग्रेस को या आम आदमी पार्टी की? जो फ्री चीज़ लगभग बराबर रहेंगे, विकास का मुद्दा है और इनके इन्होंने जो झूठे वायदे किए थे उनको बीच में लेकर के जाएंगे। जो इन्होंने झूठे वायदे किए थे, कितनी बसें थी दिल्ली के अंदर, आज कितनी रह गई है? एक भी नई बस नहीं खरीदी डीटीसी की तरफ से, कुछ क्लस्टरों को इन्होंने बसें दी हैं, वो भी आज दिल्ली की जनता ये फ्री बैठने की बात करते, बैठने के लिए पहले बस तो खरीदो। तो ये हमारे साथ मनोज शौकीन है जो यहाँ से जिला अध्यक्ष भी रहे हैं और धर्मपत्नी सुमन शौकीन को यहाँ से टिकट मिली है। आश्वस्त नजर आ रहे हैं जीत को लेकर कि काफ़ी बड़ी जीत यहाँ से बीजेपी जो दर्ज कराएगी, काफ़ी जो स्थानीय मुद्दे हैं वो लेकर लोगों के बीच तक जाएंगे। पूरे नामांकन में आप देख सकते हैं कि जो जनता है भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। महिला को टिकट देना बीजेपी का एक बड़ा दाव माना जा सकता है नांगलोई जाट विधानसभा से। देखते रहिए पूरी खबर दिल्ली दर्पण न्यूज़ पर।